मम्मी मैं घर आ गई। बशीर भाई, बशीर भाई। जी बाजी। घर में कोई आया था क्या? जी बाजी, गुलजार साहब आए थे। क्यों? साद साहब ने आपकी सालगिरह का सामान भेजा था, वो रखने आए थे। अच्छा, अम्मी से मिले वो? जी नहीं, वो सो रही थी। सो मेरे रूम में गए थे क्या? जी गए थे सामान रखने। बशीर भाई, आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी बंदा है, भले वो साथ साहब का दोस्त हो या मेरा कोई रिश्तेदार, आपने साफ साफ कहना है कि बाजी ने मना किया है, जब वो हो तब आए, ठीक है? जी बाजी। अब आप जाएं। ये क्या मजाक है, ऐसे किसी के बेडरूम में कोई कैसे जा सकता है? कैसे मानूं है तू जुदा सोच कर दिल निढाल होता है, तू नहीं सामने मगर फिर भी दिल में तेरा ख्याल होता है। Happy birthday. तेरी एक अदा के नाम किया सब देवाफा के। एक ही दिन की छुट्टी मिली है, फैसला तुम्हारा है, यूं ही रोते हुए वक्त जाया करना है या केक भी काटना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आइए नवीद साहब। सर, फ्रेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मलक शाहजहन पर जो फायरिंग हुई है, उस जय वकूए से हमें जो बुलेट्स मिली हैं और मलक शाहजहन ने इलेक्शन जीतने की खुशी में अपने डेरे पर जो फायरिंग की है, वहाँ से हमारे बंदे ने जो शैल कलेक्ट किए हैं, वो एक वेपन से इस्तेमाल हुए सर, और वो वेपन मलक शाहजहन का ही है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Dua. Happy birthday to you. केक अच्छा लग रहा है। वैसे गुलजार भाई के साथ मिलकर तुमने अच्छा खासा बेवकूफ बनाया मुझे। जिंदगी रही ना तो इसी तरह का बेवकूफ मैं तुम्हें भी बनाऊंगी। देखो, मैं फोन करता ना तो पकड़ा जाता, इसलिए गुलजार को इस काम पर लगा कि वो तुम्हारी ट्रैकिंग करे और मुझे बताए। हाँ बशीर भाई, अच्छे खासे झूठ बुलवाए तुमने उनसे भी। टेल मी, जॉब कैसी जा रही है, क्या रूटीन है? फिलहाल तो आपकी रूटीन सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आप बताए ना क्या हालात है वहाँ के। मिस किया मुझे बहुत ज्यादा। तो फिर आ क्यों नहीं जाते? आ तो गया हूं। बड़ा तीर मारे आके, एक दिन का आना क्या कोई आना होता है? कान खोल के सुन लो, कल सुबह तो क्या शाम से पहले पहले कहीं नहीं जाने दूंगी। यार कौन सी सुबह कौन सी शाम, आज 10 बजे ही वापस जाना है। क्या मतलब? रात नहीं रुकेंगे? नहीं, आज ही पहुंचना है। वो खुशबू तेरे आने की, वो धागा तेरे वादों
लगता है प्यारा। बस यार अम्मी को खुद ऑफिस करता था, मैं नहीं चाहता वो गेट तक आए। 10-15 मिनट में पहुंचा। कोई बात नहीं, मैं फ्री हूँ, आराम से आओ। ओके ओके। तो मैं गया, गुलजार वेट करता है, उसको बस हेलो हाय करके मैं निकल जाऊंगा। तुम्हारा गिफ्ट मैंने टेबल पर रखा हुआ है। क्या है गिफ्ट में? कुछ खत, उस पर जब भी टाइम मिलता था और तुम याद आती थी तो कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए लिखता था। ज्यादा नहीं है, थोड़े से। तुम्हारे सारे खतों का जवाब तुम्हें तुम्हारी बर्थडे वाले दिन मिलेगा। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे आज ही सारे खत पढ़ लूंगी। नो, एक डेली, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं इंस्ट्रक्शंस दोबारा बता रहा हूँ। रोशिस करते हुए अकेला नहीं जाना, जोरो के साथ डेली वॉक, ये साथ में है तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल है। और तुम्हारी डॉक्टर कौन है? ये सारे मशवरे देते हुए शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपकी बेगम भी डॉक्टर है, और एटलीस्ट तुमसे तो कुछ ज्यादा ही जानती होंगी। मुझे पता है कि आप जानती हैं, लेकिन आप अमल नहीं करते। अब मैं कह रहा हूं तो यकीन है कि आप करेंगे। जाओ। वापस कब आ रहे हो? हाँ, एक बात और, वो अपनी डाइट का ना बहुत ख्याल रखना है और एक प्लान भी बना। वापस कब आओगे? तो छोड़ो इस बात को, मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? अपना ख्याल रखना। मुझे मालूम है जाते हुए तुम मुझसे यही पूछोगी कि वापस कब आओगे। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मैं ना भी आया तो जो आने वाला है उसका ख्याल रखना। याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, खासतौर पर एक आर्मी ऑफिसर के लिए। तो मैं खुद को ना किसी और को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। बस ये कहना चाहता हूं कि जब तक जिंदा हूं तुम यहां रहोगे। अपना ख्याल रखना, अपने लिए, मेरे लिए और जो आने वाला है उसके लिए। मेरे लिए तुमसे और अपने घर से दूर रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं और मुझ जैसे हजारों साल सरहदों पर इसलिए जाग गए कि तुम जैसी लाखों दुआएं अपने अपने घर में सुकून की नींद सो सके। रंग आँखों का तेरी यादों सा वो लहजा तेरी बातों का वो खुशबू तेरे अब आंसू साफ करो, एनवलोप खोलो और देखो तुम्हारा गिफ्ट और मुस्कुराओ। शाबाश।
सब है।